हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑटो कैड ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, ड्राइंग शीट, ये हमको बनानी है, जिसमें कुछ टेक्स्ट भी है, एक ड्राइंग है। स्पेशल बात ये है कि इस ड्राइंग को हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना है, और वो भी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके आउटर में एक बॉर्डर है 150 बाई 150, ठीक है। और यहाँ पर इसके हर कोऑर्डिनेट जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। तो सबसे पहला मैं समझा दूं आपको रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, ये हमारा है कोऑर्डिनेट्स हैं वाई और एक्स। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं जो सेकंड लाइन बनाऊंगा, अगर मैं उसको कोऑर्डिनेट्स डालूंगा रिलेटिव में, तो वो क्या लेगा, इसको ओरिजिन मानेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से डिस्टेंस लेगा, ठीक है। ये होता है रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो ये पॉइंट जितने भी पॉइंट होंगे वो सब यहाँ से, इस ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है, और ये हमारी लाइन है 4xy में और 4x में, ठीक है। अब अगर हमें एक लाइन खींचनी है यहाँ पर, इसमें 8 इसका x है और 8 इसका y है, ठीक है। अगर हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट डालने होंगे वो डालने होंगे, क्योंकि ये 4 ऐड हो रहा है, ये ओरिजिन एज्यूम कर रहा है, तो 4, 4 इस पॉइंट के लिए। और अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो हमें डालना होगा 8, 8, क्योंकि एक्चुअल ओरिजिन से 8 है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव और ये हो गया एब्सोल्यूट, ठीक है। तो चलिए इस ड्राइंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक है। ए जो पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 100 बाई 100। तो ऑटो कैड में सबसे पहले हमें यूनिट सेट करनी होती है, यू एन एंटर, और डेसिमल 2 डिजिट तक प्रिसाइज, मिलीमीटर ओके। उसके बाद लिमिट्स का मतलब होता है जो वर्किंग विंडो है उसको हम कितना बड़ा साइज़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग का साइज़ 150 बाई 150 है, तो मैं वर्किंग को दे देता हूँ 200 बाय 200। उसके बाद जेड, उसके बाद ए, ठीक है। ये बना हुआ भी है, इसको मूव करा ले, इसको इरेज करते हैं, पहले से बना हुआ है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिमिट्स हमने क्यों डिसाइड की, क्योंकि हमारी जो वर्किंग ड्राइंग है ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा छोटी ना हो, आउट ऑफ स्क्रीन ना निकल जाए ड्राइंग, इसलिए हमने इसको 200 बाय 200 लिमिट सेट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले यूनिट, फिर लिमिट्स, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एल फॉर लाइन एंटर, और फर्स्ट ए पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हैं G 100, 100, 100 एंटर, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट 100, 100। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट है हमारा बी, आप देख सकते हैं 105 बाय 100। अब देखिए यहाँ पे 105 यानी कि ओरिजिन से 105, तो हमें हैश लगाना होगा एब्सोल्यूट के लिए, तो वन हैश लगाया मैंने फिर 105, 100। ये देखिए ये पॉइंट बन गया। अगर मैं रिलेटिव लेता तो ये कहीं यहाँ से 100 कहीं और ही पॉइंट ले लेता। नेक्स्ट पॉइंट है सी हमारा 105, 102, तो हैश 105, 102, ठीक है। जूम कर लेते हैं स्क्रॉल को रोटेट करा के। सी है हमारा 105, 102, सी हो चुका है डी 109, 102, हैश 109, 102, ई है हमारा 109, 104, हैश 109, 104, एफ है हमारा 105, 104, हैश 105, 104। उसके बाद है हमारा जी है हमारा 105, 106, हैश 105, 106, एच है हमारा 109, 106,
109,106, पहले हमने हैच लगा लिया है, ये देखिए ड्राइंग देखिए बनती जा रही है। आई है हमारा 109,111, हैश 109,111, जे है हमारा 100 और 11, हैश 100,111, के है हमारा 100,109, हैश 100,109, एल है हमारा 98 और 109, हैश 98,109, एम है हमारा 98,107, हैश 98,107, एन है 100 और 107, हैश 100,107, और हमारा ओ है 100,105, हैश 100,105, नेक्स्ट है ओ के बाद पी 100,205, हैश 102,105, क्यू है 102, हैश 102,101, और हमारा उसके बाद आर है 100 और 101, हैश 100,101, और ये लास्ट पॉइंट कनेक्ट हो गया। देखिए ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बेसिक है, और इसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाना चाहता था, इसलिए ये लॉन्ग प्रोसेस है बनाने का, और भी शॉर्टकट है इसी ड्राइंग को बनाने के, लेकिन कभी कभी ये भी बहुत काम आता है। तो ये हमारी ड्राइंग बन चुकी है, देखते हैं इसकी ऐसी लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। इसके बाद हम एक बॉक्स बना लेते हैं 150, ऑर्थो ऑन कर लेंगे, से स्ट्रेट लाइन होगी F8 से 150, फिर आपका वर्टिकल 150, फिर आपका वर्टिकल 150 एंड फिर 150। अच्छा आप यहाँ पे देखेंगे जो 150 बाय 150 का बॉक्स है और ये जो ड्राइंग है बड़ी छोटी है, लेकिन इसमें जो है छोटी नहीं है, दरअसल ये प्रॉब्लम जो है स्केल प्रॉब्लम नहीं है, ये 150 ये देखेंगे आप, अगर ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 100 हैं और ये 105 यानी कि 5 mm है ये केवल, तो ड्राइंग तो छोटी होगी। इस प्रॉब्लम की ड्राइंग पे मत जाइए, एक्चुअल में जो हमने बनाई है वो हमारी ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, M से M कमांड है मूव के लिए, M एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया फिर एंटर, फिर हमने सिलेक्ट किया कहाँ से उठाना है, F8 ऑफ कर दिया और इसको यहाँ पे जाके रख दिया, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमने ये 150 बाय 150 कुछ ज़्यादा लिया हुआ है, तो हम एक बॉक्स और बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑर्थोन करने का 15 बाय 15 बाय 15, ये भी छोटा है, तो हम क्या करते हैं एक कुछ प्रॉब्लम के जैसा जो लगे ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, हम बना लेते हैं 30 बाय 30 का, तो F8 ऑन रहना चाहिए आपका 30 30 30 एंड 30, ठीक है, ये ठीक है। अब जो हमारे इस बॉक्स को M से मूव और इसे उठा के थोड़ा सा F8 ऑफ करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब ये ड्राइंग बन चुकी है, अब हमें ABCD लिखना है और टेक्स्ट लिखना है, तो देखिए कैसे टेक्स्ट के लिए होता है MT एंटर, और यहाँ पे हमने ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करके लिखना शुरू किया, नेम मेरा नाम है मोहम्मद असलम, ठीक है, रोल नंबर। अब देखिए थोड़ा सा है ना टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा है, टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और लेंथ कम है, तो इसे हम यहाँ से खींचेंगे तो ये इस तरह से होता जाएगा, यहाँ पे डॉट 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 रोल नंबर एंड क्विज नंबर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था क्विज नंबर। टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं 0.5 ज़्यादा छोटा हो गया, इसको कर लेते हैं 1.5, ये ठीक है, ठीक है। इसको M से मूव कराते हैं सिलेक्ट और इस तरह से यहाँ पे,
अब बात करते हैं ए बी सी डी लिखने की, तो क्या करते हैं हम एम टी टेक्स्ट, और मैंने ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा एक ए। अब ये छोटा ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने और सेलेक्ट करके इसको कर दिया मैंने वन। ठीक है, वन भी कुछ ज़्यादा है, वन ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी ओ से होता है कॉपी, इसको सेलेक्ट किया और क्लिक करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर तक है ना इसमें, हाँ स्कैप बटन, इसको इरेज कर देते हैं जो पहले वाला था। अब देखिए डबल क्लिक सेलेक्ट बी, डबल क्लिक सेलेक्ट सी, डबल क्लिक सेलेक्ट डी, डबल क्लिक ई, इस तरह से हम सबका रीनेम कर लेंगे। और अगर हमें इस ड्राइंग को मेज़र करना है तो एनोटेट में जाएंगे, यहाँ से डायमेंशन 30, हमने 30 बाय 30 लिया था 15 की जगह पे 10। ठीक है, इस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। ये था ऑटो कैड का ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल। इस वीडियो को बार बार देखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक